माँ बाप और बच्चों के दरमियान इख्तलाफ के वजूहात क्या हैं। तो जैसा कि मैं शुरू में बतलाया कि जहालत और नादानी ये तकरीबन हर झगड़े की जड़ है। तो इसी तरह माँ बाप और औलाद के दरमियान लड़ाई और झगड़े और इख्तलाफ का सबब है जहालत, नादानी, कम पढ़ना, कम पढ़ाई लिखाई। इसी तरह इस्लामी तालीम की कमी, इस्लामी तरबियत की कमी, जिस बच्चे की इस्लामी तरबियत नहीं होती है, इस्लामी तालीम नहीं होती है, वो औलाद अपने माँ बाप से झगड़े करते हैं, इख्तलाफ करते हैं, गाली गलौज देते हैं, यहाँ तक कि मारते पीटते भी हैं। लेकिन जिन बच्चों के पास इस्लामी तालीम है, इस्लामी तरबियत है, वो बच्चे अपने माँ बाप से झगड़े नहीं करते, अपने माँ बाप के हकूक़ को अदा करते हैं, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम खुद भी इस्लामी तालीम से आरास्ता व पैरास्ता हों, अपने बच्चों को भी इस्लामी तालीम के ज़ेवर से आरास्ता व पैरास्ता करें, अपने बच्चों को इस्लामी तालीम व तरबियत से रोशनास करें। इसी तरह माँ बाप और औलाद के दरमियान लड़ाई और झगड़े और इख्तलाफ का सबब है नाइंसाफ़ी। कुछ माँ बाप औलाद के दरमियान नाइंसाफ़ी करते हैं, किसी बच्चे को ज़्यादा रुपया पैसा दे देते हैं, किसी को कम देते हैं, किसी को कुछ भी नहीं देते, किसी को एक दुकान दे दिए जाओ तुम कारोबार करो, किसी को दुकान नहीं दिए, किसी को रुपया पैसा 4-5 लाख दे दिए जाओ तुम कारोबार करो, दूसरा बेटा जब आता है मांगने के लिए तो उसको 2-4 हज़ार 6 हज़ार पकड़ा देते हैं। तो ये नाइंसाफ़ी जो है ये औलाद और वालिदैन के दरमियान लड़ाई और झगड़े का सबब है, नाइंसाफ़ी से हमें बचना चाहिए। इसी तरह औलाद और वालिदैन के दरमियान लड़ाई और झगड़े का एक सबब है औलाद और माँ बाप से दूरी। कुछ औलाद ऐसी होती जो अपने माँ बाप से बिल्कुल दूर रहती है, कुछ माँ बाप भी ऐसे होते हैं जो अपनी औलाद से दूर रहते हैं, अपने औलाद के पास नहीं बैठते, अपनी औलाद को टाइम नहीं देते, उनसे राय मशवरा नहीं करते। हालांकि घरेलू मामलात में, अपने बच्चों की ज़िंदगी के मामलात में, बच्चों के निकाह और शादी के बारे में, बच्चों के मामलात के बारे में मशवरा करना चाहिए, राय कर लेना चाहिए, उनसे उनके ख्याल को मालूम करना चाहिए, उनसे दूरी नहीं बनानी चाहिए। आज माँ बाप अपने औलाद से इस कदर दूर हो जाते हैं कि बच्चों में कौन सी बुरी आदत आई है उस आदत को समझ ही नहीं पाते, उनके बच्चे किन बच्चों के साथ रहते सहते हैं, उन बच्चों के दोस्त कैसे हैं उसकी उन्हें खबर भी नहीं होती, उनकी बच्चियाँ किन लड़कों के साथ रहती, किन लड़कों के साथ उनके ताल्लुकात हैं उससे भी बेखबर होते हैं। तो इस कदर माँ बाप दूर ना हो जाएं कि उनके बच्चे बिगड़ जाएं, उनके बच्चे लड़ाई और झगड़े पर आमादा हो जाएं। इसी तरह माँ बाप और औलाद के दरमियान जो इख्तलाफ है उसका एक सबब है बुरा माहौल और बुरा साथी। ऐसे ऐसे बुरे माहौल आज हैं, आज का माहौल इतना गंदा हो चुका है कि ये बच्चे जब मुआशरे समाज में घूमते हैं, रहते हैं गंदे बच्चों के साथ, बुरे बच्चों के साथ रहते हैं, बुरे माहौल में रहते हैं, लड़ाई सीखते हैं, झगड़े सीखते हैं, गाली गलौज सीखते हैं, और वही गाली गलौज आकर घर में उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो मेरे मोहतरम भाइयों, अपने बच्चों को गलत माहौल से, बुरे माहौल से, बुरे साथियों से भी बचाना है, ताकि हमारे बच्चे हमसे दूर ना हो जाए, हमारे बच्चे हम ही से लड़ाई झगड़ा ना शुरू कर दें, हमारे बच्चे हम ही को गाली गलौज ना देना शुरू कर दें।